हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, गुड आफ्टरनून। आपकी क्या राय बन रही है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट पे, साइड मार्केट पे? अब आपको लग रहा है क्या कि बाजार कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव्स ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है, हम यहां से अटेम्प्ट करना चाहिए लेने का? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पिछले कोई एक महीने से काफी वोलेटाइल मूवमेंट था स्टॉक्स का और इंडाइसिस का। और अगर हम आगे भी देखें कि जिस तरह से जो ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो एक कल्मिनेशन हो गया उसका, और उसकी वजह से हमने देखा और जोर से वोलेटिलिटी आ गई बाजार में। लेकिन जैसे आपने बहुत सही कहा, अभी काफी सारा चीज प्राइसेस में डिस्काउंट हो रहे हैं। ये करंट सिचुएशन काफी डिस्काउंट कर रहे हैं, अनलेस एंड अंटिल सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड। लेकिन यहां से एक्स्ट्रापोलेट करना कि यहाँ द फ्रंट लाइन एज वेल एज ऑन द मिड कैप्स, अभी शायद यहां से अगर हमको एक स्टांस देना है तो शायद वी हैव टू बी इन द फ्रंट लाइन, जिसके जिसको एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है अर्निंग्स का, जिसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है और जो अभी तक अभी काफी अच्छे रीजनेबल लेवल्स में आ गए हैं, तो उधर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हमको। ये नहीं कि हम लगातार ब्रॉड मार्केट्स में ही फोकस करें, लेकिन ये सिलेक्टिवली ब्रॉड मार्केट्स में सिलेक्टिव चलेगा, लेकिन फ्रंट लाइन्स के ऊपर खास करके नॉन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। ये दो स्टॉक्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, रिलायंस और इन्फोसिस, दोनों के बहुत सॉलिड नंबर्स आए थे और दोनों ने कमेंट्री भी अच्छी दी है ट्रैजेक्टरी की। आपको ये पसंद आते हैं क्या, क्योंकि आज की बड़ी रिकवरी जो है 2250 के लेवल से ऑलमोस्ट 2350, 100 रुपये की इंटरडे रिकवरी हमने रिलायंस में देखी। इन्फोसिस भी 1700 के आसपास बहुत बाइंग दिखा रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है। आपको ये दोनों स्टॉक्स पर कैसा लगता है? देखिए, जिस तरह से ये आईटी सेक्टर है उसमें लग रहा है कि आईटी सेक्टर एक स्टैंड आउट सेक्टर रहेगा आने वाले एक सालों में, और उसमें जरूर इंफोसिस क्वालिफाई होता है, फिर आई वुड से इवन टीसीएस क्वालिफाइज, एचसीएल टेक्नोलॉजी लुक्स गुड एंड टेक महिंद्रा लुक्स गुड, इंफोसिस बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, क्योंकि हम आईटी सेक्टर में देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी ठीक ठाक रहेगा, प्राइसिंग फ्रंट भी काफी ओके रहेगा, तो मार्जिन्स काफी ठीक ठाक रहेंगे, और जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको काफी अच्छा टेलविंड मिलेगा मार्जिन्स को। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आईटी सेक्टर में, और खास करके इंफोसिस ऑफ कोर्स शुड बी बाउट विदाउट एनी डाउट एट द करंट लेवल। जहां तक रिलायंस का सवाल है, विदाउट एनी डाउट वंस अगेन इट्स अ लीडर ऑफ अक्रॉस द इंडस्ट्री, एंड जिस तरह से जो हमने प्राइस मूवमेंट देखे अभी, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू एंटर रिलायंस, बिकॉज उसके अब जो भी वर्टिकल्स देख लो, वेदर इट इज रिटेल वर्टिकल, जियो वर्टिकल, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल कम बैक इन अ वेरी बिग वे। और यहां से लग रहा है कि रिलायंस एज अ फ्रंटलाइन स्टॉक शुड बी अ पार्ट ऑफ योर की पोर्टफोलियो, यहां से शायद एक 20% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है इन रिलायंस इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। राइट, गुड आफ्टरनून दिलीप जी, प्रियंका यर, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। ये तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हो गई, आप एक पैक पर आपकी नज़र जानना चाहेंगे, वो पूरा मेटल पैक, जिस तरह से आज पूरा मेटल पैक ही बाजिंग है। ऐसे में जाहिर तौर पर इसके फंडामेंटल रीज़न, क्योंकि रशिया पर जिस तरह के सैंक्शंस लगने की बात हो रही है और उसके बाद वहाँ से जाहिर तौर पर मेटल्स और कई सारी कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट्स को लेकर जिस तरह डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगी, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये साइकिल आपको लगता है ये चलेगी? और क्योंकि एल्युमिनियम के प्राइसेस एक बड़ा ट्रिगर, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम रिलेटेड काउंटर्स वो सर्ज पे, और वो कमोडिटी बोली भी जा रही है साल के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कौन-कौन सी और कमोडिटीज परफॉर्म कर सकती हैं? तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि कमोडिटी स्पैक में एल्युमिनियम स्टैंड्स आउट करंटली इन व्यू ऑफ द अक्यूट क्राइसिस दैट हैज इमर्ज्ड, लेकिन इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करके समझे कि पूरे साल चलेगा इतना क्राइसिस, वो मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी ये कॉमोडिटीज में ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम विल स्टैंड आउट, एंड इवन विद विद इन द स्टील पैक आई थिंक द फ्लैट सेगमेंट इज समथिंग विच विल कंटिन्यू टू डू प्रेटी वेल ऑन एन एक्सपोर्ट फ्रंट, और लॉन्ग प्रोडक्ट्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इन द डोमेस्टिक फ्रंट्स। तो अगर हम इन सबको साथ में जोड़े और हम अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक पे आ जाए, तो मुझे लगता है कि जरूर हिंडाल्को लुक्स द पिक ऑफ द लॉट, Vedanta looks pick of the lot, and of course JSW Steel also one should view it, because ये तीनों stock अपने अपने verticals में
काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो क्लियरली हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर दिलीप जी की नजर है। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, ऑफ कोर्स हम कमोडिटीज को जहां पर टच कर रहे हैं, हम आपसे एफएमसीजी स्पेस पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करें। सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं फिलहाल, जो ग्लोबल कंसर्न्स है उसके चलते उसका एक इम्पैक्ट भी है। आज के सत्र में ही अगर हम देखें तो निफ्टी एफएमसीजी स्पेस बुरी तरह से कमजोरी के साथ दिन भर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी पैक पर करंट लेवल्स को देखते हुए स्पेस कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, एफएमसीजी स्पेस एक ऐसा सेक्टर था जहां जिसने कुछ बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया पिछले एक साल में इन द ओवरऑल ब्रॉड मूवमेंट ऑफ द मार्केट्स, दैट इज वन। सेकेंड, जिस तरह से हमने इन्फ्लेशन देखा है ऑफ सम ऑफ द कॉमोडिटीज और जिस तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स में जिस तरह से द सीईओज ऑफ सम ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज हैव स्पोकन, उससे भी काफी क्लियर है कि ये सिचुएशन काफी अनप्रेसिडेंटेड है एंड इट इज टेकिंग अ टोल ऑन द कंजम्पशन। तीसरी बात अगर हम देखें, द प्राइवेट कंजम्पशन हैज कम डाउन बाय 4%, हैज ड्रॉप बाय 4%, और अब देखें कि सेविंग्स ऑल्सो हैज कम डाउन। ये सबको हम कंबाइन करके देखें तो लगता है कि रूरल में जरूर कंजम्पशन पे काफी इम्पैक्ट हुआ है और ये काफी रिफ्लेक्ट कर रहा है एफएमसीजी के वॉल्यूम ग्रोथ में और परफॉर्मेंस में। यहां से अगर हम आगे चल के देखें तो शायद इट विल स्टिल बी अ स्लो राइड एंड स्लो मूवमेंट फॉर एफएमसीजी, लेकिन एक अगर ओवरऑल देखिए आपको आपका पोर्टफोलियो में कोई डिफेंस और रेजिलियंस देने वाला चाहिए तो शायद एफएमसीजी दे सकता है, लाइक एशियन पेंट्स कुड बी द वन, और मेरे हिसाब से इवन लीवर्स कुड बी द अनदर स्टॉक व्हिच कैन रियली give a good defense to your portfolio in the current volatility. राइट दिलीप जी, एक व्यू ये भी निकल के आता है एक्सपर्ट्स का कि इस साल, क्योंकि ऑफकोर्स हेडविंड्स काफ़ी होंगे, इजी लिक्विडिटी नहीं है बाजार में, तो और लास्ट ईयर अगर हम पहले के दो साल देखें पिछले, तो वहाँ मिड कैप स्मॉल कैप उन्होंने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन ये साल शायद इन दो सेक्टर्स के लिए इन दो स्पेसिस के लिए टफ रहेगा, लार्ज कैप में ज़्यादा मोमेंटम होगा। आप मानते हैं इस बात को? डू यू थिंक अगर आप इसे स्प्लिट करें तो कौन सी बकेट आपको ज़्यादा पसंद आती है? I'm sorry, आपका आवाज कट गया, can we just sure, दिलीप जी, I wanted to understand कि आपको लगता है कि इस साल लार्ज कैप्स परफॉर्म करेंगे, इनफैक्ट आउट परफॉर्म करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप को, क्योंकि हमने रैली देखी है मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंटली पोस्ट कोविड, लेकिन अब लार्ज कैप बाउंस बैक करेंगे, अगर मोमेंटम होगा, ग्रोथ होगी, पैसा बनाना होगा तो लार्ज कैप इन्वेस्ट करना बेहतर ऑप्शन होगी। बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में मैंने कहा कि जिस तरह से मिड कैप चले हैं पिछले डेढ़ दो सालों में, काफी लोगों ने ऐसा किया है कि अगर ये एक साल अच्छा करते हैं तो उसको एक्सट्रापोलेट करके नेक्स्ट थ्री इयर्स का ग्रोथ भी काफी अच्छा रहेगा, उस हिसाब से सब लोगों काफी लोगों ने उसको वैल्यू किया है और बेस्ड ऑन दैट दे हैव बॉट द मिड कैप्स। लेकिन शायद हकीकत is totally different from what that assumption has been. So mid caps mein toh you'll have to be very selective, lekin without any doubt the front lines possibly will outperform the mid caps, or certain select mid caps ke upar nazar rehni chahiye, lekin by and large the focus ke is saal mein front lines quality names with good quality earnings or good quality management will significantly outperform the overall portfolio. फ्रंट लाइन स्टॉक्स जो हैं उन पर ज़रूर नज़र रखें, और यहाँ पर ही एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस आती हुई क्लियर कट देखने को मिल सकती है। कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए भी इन उतार चढ़ाव भरे बाजार में दिख रहे हैं, ऑफकोर्स क्योंकि हम देख रहे हैं एज अ सेफ हेवन कमोडिटी बुलियन मार्केट पर एक इम्पैक्ट है जो कि पॉजिटिव देखने को मिला, वहाँ पर भी वॉलीटिलिटी थी, लेकिन दिलीप जी टाइटन का स्टॉक अगर हम देखें वहाँ पर हम कुछ हद तक तेज़ी देख रहे हैं। ज्वेलरी काउंटर्स हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, यहाँ पर कोई पिक्स? So, मुझे लगता है कि एक टाइटन को देखें तो टाइटन हैज ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ राइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट्स, और जरूर मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आने वाले एक दो सालों में
एज अ रेगुलेटरी मेजर्स जो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी सारे कंपनीज जो गोल्ड में है उनको डेफिनेटली इट विल नॉट बी एन इजी वे टू डू बिजनेस फॉर देम. तो यहाँ पर टाइटन विल स्टिल स्टैंड आउट एंड विल कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर इन द कमिंग ईयर्स. तो टाइटन को जरूर एक अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए और शायद इट मे नॉट इमीडिएटली परफॉर्म इन द नेक्स्ट थ्री मंथ सिक्स मंथ लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल सिग्निफिकेंटली परफॉर्म और यहाँ से उसको टाइमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और जहां तक फाइनेंशियल्स का सवाल है ऑन द गोल्ड, आई थिंक द गोल्ड लोन्स विल कंटिन्यू टू बी वेरी गुड बट आई एम नॉट ट्रैकिंग सम ऑफ दोज गोल्ड फाइनेंस कंपनीज बट आई एम सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन देम. All right, दिलीप जी एक चीज और जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि बाजार का जो एक माइनर बॉटम कहना चाहिए पीछे की जो एक सेल ऑफ आई पिछले हफ्ते, हमने देखा 1000 पॉइंट बिगेस्ट फॉल रहा जो थर्सडे को जो मूव देखा बाजार ने, क्या वहाँ एक बॉटम बन गया है और यहाँ से अब किस तरह, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर यहाँ सुलझती हुई दिखाई देती है तो बाजार फॉर श्योर विल बी अप फॉर अनदर पुल बैक. तो यहाँ एक बॉटम बन गया है क्या यहाँ पर, या फिर अभी भी कॉशियस होना चाहिए? आप किन लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं? आपके आई एम श्योर बहुत सारे क्लाइंट्स, एचएनआई क्लाइंट्स भी इस तरह की क्वेरीज रखते होंगे. देखिए इस जिस तरह से वातावरण चल रहा है ऐसा लग रहा है कि पिछले फ्राइडे को जो मार्केट ने बॉटम बनाया तो शायद बॉटम बन गया, लेकिन ये लेवल इतना वल्नरेबल है कि यहां से कुछ भी होके और एक 500-1000 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है तो जरूर गिर सकता है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. तो इसको इस तरह से बॉटम देखना शायद द शॉर्ट टर्म मुझे नहीं पता चलता, लेकिन बट जरूर ऐसे लगता है दीज आर सर्टेनली द लेवल्स जहां पर बाइंग होनी चाहिए और वो भी ग्रेजुअली होनी चाहिए. कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक साथ ही खरीद ले, ग्रेजुअली यू शुड परचेज ओवर नेक्स्ट 10-15 डेज एंड आई थिंक सर्टेनली इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आने वाले दिनों में. लेकिन मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा और एक कंसर्न मार्केट में जरूर पहले भी था पिछले एक डेढ़ महीने से और अब भी है कि वो एफआईआई का सेलिंग, एफआईआई का बहुत जबरदस्त सेलिंग चल रहा है और हमने पास्ट में देखा है कि एफआईआई का सेलिंग इज नॉट रियली वेरी गुड फॉर द मार्केट्स. ऑफ कोर्स नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रिटेल एंड डीआईएस स्टेपिंग इनटू बाय और वो एक काफी हेल्दी ट्रेंड है मार्केट्स के लिए. बट ओवरऑल आई थिंक यस दीज आर द लेवल्स टू बाय. Markets can come down by another 500,000 points on Nifty, not impossible. ओके तो क्लियरली यहाँ पर बाजार पर विस्तार से हम एक्सपर्ट से नजरिया जान रहे हैं. आपको बता दें बस थोड़ी ही देर में बेलारूस बॉर्डर पर रशिया यूक्रेन की बैठक होने वाली है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे का समय यहाँ पर इस इवेंट के लिए लगाया गया है और इस बैठक पर हमारी नज़र है भी. और इस सिचुएशन में मार्केट एक्सपर्ट दिलीप जी हमारे साथ जब जुड़े हैं, दिलीप जी आपसे एक चीज़ है जिसे यहाँ पर करंट लेवल्स पर हम तमाम चीज़ों की बातचीत कर रहे हैं, एफआईआई सेलिंग है, कमोडिटीज़ हैं, लेकिन करेंसी पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है. और जब आप हमारे साथ हैं करेंसी पर आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि हमने रूबल जो कि रशिया की करेंसी है उसमें भी किस तरह से गिरावट हावी होते हुए देखा है, क्लियरली इम्पैक्ट INR पर भी आता हुआ देखने को मिला. साथ ही क्रूड एक आखिरी सवाल है तो आपसे कच्चे तेल पर भी आपका नज़रिया हम जानना चाहेंगे. देखिए करेंसी कमोडिटीज और मार्केट तीनों में वोलेटिलिटी बहुत है और मैं ये नहीं मानता कि यहां से अगर ऑयल $100 है तो ये 120 भी हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल लेवल क्या रहेगा दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क. बिकॉज वोलेटिलिटी में ये क्रूड 120 भी हो सकता है और रुपी कैन गो डाउन टू इवन 77-78 ये भी पॉसिबल है. ये सब पॉसिबिलिटी है बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत है मार्केट में और जब भी अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी रहती है तो इस तरह के मूवमेंट आ जाते हैं. लेकिन अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके समझ लें कंटिन्यूसली ऐसा ही रहेगा ये मैं नहीं मानता. मुझे लगता है कि करेंसी ऑयल एंड ऑल विल स्टेबिलाइज सूनर देन व्हाट एवरीबॉडी इज थिंकिंग और ये यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगा ऑयल ऐसा नहीं लगता. बट जरूर ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू बी इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इंक्लूडिंग ऑयल. तो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर रहेगा उस हिसाब से शायद रुपी जरूर प्रेशर में रहेगा ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत जो रेगुलर डेप्रिसिएशन होना चाहिए रुपी का वो होते रहेगा और
ऐसा नहीं कि देर विल बी अ बिग फॉल इन द रूपी, ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट रुपी को स्टेम करने के लिए जिस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए आरबीआई, उस पर आई एम श्योर एक एक्सचेंज रेंज में रखना चाहता है फॉरेक्स को, और इसके चलते अगर ज़रूरत पड़ती तो कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। शुक्रिया दिलीप जी बहुत बहुत जानकारी के लिए, आज आप हमारे साथ बने और हमसे बात की। प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट MD दिलीप भट्ट हमसे बात कर रहे थे और अपना नज़रिया, अपना आउटलुक मार्केट्स पर शेयर कर रहे थे। तो अब चलिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी शो में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ राजेश पालविया हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आज मार्केट ने एक शार्प पुलबैक दिखाया और हर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच की बातचीत को लेकर बाजार ने पुलबैक मॉर्निंग में अटेम्प्ट किया और आज सस्टेन रखा है इस मोमेंटम को। लेकिन क्या लग रहा है आपको?